आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आभार व्यक्त करता हूँ जी जोशी का, जिन्होंने फिर से मुझे इस शो में आने का मौका दिया। क्योंकि जनसरोकार मंच एक ऐसा मंच में, जब मैं फर्स्ट में इससे जुड़ा था तो इस मंच का मुझे शुरू में ही जिस तरह से जोशी जी की जो मनोभावनाएं हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो भावना है, उसको देख करके ही मुझे लगा था कि ये मंच बहुत तरक्की करेगा। और मैं तो हमेशा आशा करता हूँ और दुआएं करता हूँ कि ये मंच खूब तरक्की करे, क्योंकि इस मंच के माध्यम से मैंने हर परिचर्चा को विशिष्ट तरीके से यूट्यूब के, भले मैं डायरेक्ट ऑनलाइन आ पाया नहीं आ पाया, लेकिन मैंने इस मंच को यूट्यूब के माध्यम से बार में भी कई बार सुनने की भरपूर कोशिश करी है। जितना मुझे टाइम मिला उतनी मैंने सुनने की कोशिश करी। मैं नैमिचंद माउरी आप सबके बीच में एक छोटे से युवा कवि के रूप में अपनी छोटी सी भावना है, लेकिन विशिष्ट भावना है आपके सबके सामने एक बार पहले भी साझा कर चुका हूँ, और आज फिर से अपनी स्वरचित पुस्तकें, जो कि मेरी प्रथम पुस्तक जो थी, प्रथम पुस्तक मेरी काव्य के फूल जो सन 2013 में आ चुकी थी, इस काव्य के फूल के बाद में मैं लगातार अपनी लेखनी को प्रगाढ़ करता रहा। आपके आशीर्वादों से, आप सभी के महत्वाकांक्षा जो आकांक्षाएं थी उन पर खरा उतरने के लिए मेहनत करता रहा, और मैंने सन 2020 में ही लगातार 3 पुस्तकें जो थी प्रकाशित करवाई। प्रथम पुस्तक जो थी मेरी 2020 में जो प्रकाशित होने वाली थी, वो पुस्तक का मैंने संपादन किया था, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं जोशी जी की तरह या आप लोगों की तरह भी, क्योंकि आपका तो बच्चा होंगे है, मेरी अभी ज्यादा होगी नहीं, 28 साल की उम्र, लेकिन मैंने अभी तक जितना मैंने पढ़ा, क्योंकि लगातार पढ़ना मेरा स्वाध्याय करना मेरी अभी रुचि रही, तो उसी के ये मान लीजिए, और थोड़ा सा वर्तमान को समझने के आधार पर मैंने जो अपना अध्ययन किया उसको समझा, उसको मैंने अपने लेखन से लेखन कर दिया, तो वही मैंने अपनी पुस्तकों में, और संपादन का जो कार्य था क्योंकि विशिष्ट मित्र थे कई सारे, तो उनके आधार पर मैंने अपना संपादन भी किया। एक पुस्तक का संपादन स्वप्न मंजरी नाम की मेरी पुस्तक, जिसका मैंने संपादन किया 2020 में ही। उसके बाद में चूंकि प्रेम विषय की जो कविताएं होती है, जो छंद होते हैं, जो शायरिया होती है, मुक्तक होते हैं, इन सबको लिखने की हर कवि की जिज्ञासा भी होती है, और साथ ही साथ आसपास के परिवेश को देखते हुए, आसपास के परिदृश्य को देखते हुए उसके मन में एक उत्कंठा होती है कि जैसे वो एक कविता लिखेगा या एक कहानी लिखेगा तो प्रकृति का जो सुंदर रूप है वो उसकी आंखों के सामने स्वतः ही हट जाता है, और उसी में भाव विभोर करके कुछ प्रेम मुक्तक, या जिन्हें हम लोग श्रृंगार मुक्तक कह सकते हैं, जिन्हें शायरी का उपनाम दिया जाता है, उनको भी मैंने लेखनबद्ध किया। ये सभी कवि करते हैं, चार अगर कविताएं लिखते हैं तो उनके बीच में उनके दिमाग में 10 से 15 आराम से श्रृंगार के मुक्तक आ जाते हैं। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों के पास में श्रृंगार को समझने की या तो लालसा नहीं होती है, या वो पूर्ण रूप से किसी विषय विशेष पर अपनी परिचर्चा, अपना लेखन और अपना अध्ययन करना चाहते हैं तो छोड़कर, बाकी जो हमारे 60 से 70% जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उनकी एक उत्कंठा होती है कि ठीक है। तो इसके ऊपर मेरी एक दूसरी पुस्तक जो थी, ये दूसरी पुस्तक मेरी अनुरागिनी, एक प्रेम काव्य के नाम से, नोशन प्रेस पब्लिकेशन है, चूंकि ये पब्लिकेशन सभी कवियों को जो लिखना चाहते हैं उनको विशेष सहायता देते हैं, तो मेरा भी था कि शुरू शुरू में हम एक उभर कर आने वाले कवि के रूप में, लेकिन इसको काफी सराहना मिली, तो इसीलिए मैंने वहां से नोशन प्रेस से छपवाया। तीसरी जो मेरी आज मैं आपके सामने परिचर्चा करने जा रहा हूँ, चूंकि मेरी 6 से 7 साल की जो तपस्या थी, जिसे मैंने अपने अध्ययन से, मैं रासायनिक ज्ञान का छात्र हूँ, तो मैंने अपने अध्ययन से जो निकाल कर, समय निकाल कर, या यूं कह सकते हैं कि मैंने जहां जहां भी विशेष परिस्थितियां देखी, जहां जहां भी मैंने मानवीय भावों को समझा, परखा, अपने घर की परिस्थितियों को, अपने आसपास की परिस्थितियों को मैंने जिस तरह से जोड़कर एक लेखनबद्ध करने का जो प्रयास किया, वही मैंने
इस कोहरे की आगोश पुस्तक में लेखन बद करके और पुस्तक ये मेरी पुस्तक है कोहरे की आगोश में। इस पुस्तक में आप जो चित्र देख रहे हैं ये इस जगह में जो चित्र है आप देख सकते हैं कि ये एक मानव है और मानव जो है धीरे 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 करके कोहरे के आगोश में कोहरा है इतना कोहरा जिसके पीछे सूरज जो है हमारा ये सूरज या चांद कह सकते हैं हम रात के टाइम पर लेकिन कोहरा हमारा जो है सूरज और चंद्रमा के बीच की जो आने जाने की जो अवस्था है उसके बीच का जो कोहरा होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यदि उसमें इंसान दुखी होकर और अपने आप में नकारात्मकता भरकर यदि आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वह उस नकारात्मक प्रवेश करता जाता है। लेकिन एक चीज और कहते हैं हमारे हिंदू परंपरा में हमारी भारतीय संस्कृति में एक बात कही गई है कि यदि उसी चंद्रमा और सूरज के आने और जाने के क्रम के मध्य में अर्थात जो हमारा प्रातः काल होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहा करते हैं उसके मध्य का जो काल है उस काल में यदि कोई इंसान सकारात्मकता से परिपूर्ण होकर यदि अपने गंतव्य तक अपनी मंजिल तक अपने लक्ष्य तक एक निश्चित रूप से अपने कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है कदम बढ़ाता है तो जो कोहरा उसके सामने नजर आता है उस कोहरे को भेदता हुआ वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। और यही मेरे चेहरे में सन 2016 से आता था 2013 में काव्य के फूल प्रकाशित करवाए जिसमें मेरी 66 कविताएं थी। उसके बाद से मेरे मन में लगातार लक्ष्य के प्रति अपनी लेखनी के प्रति एक उत्साह जागृत होता है और 2016 से मैंने उस कोहरे के आगोश में आगे बढ़ने की जो सकारात्मक होना थी उसे ही परिणाम करता हुआ मैं आगे बढ़ा और मैंने इस पुस्तक को उसी समय से 2016 से ही मैंने इस कविता की पुस्तक का अपने दिमाग में बैठा लिया था। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस ब्रह्म मुहूर्त का जो कोहरा होता है यदि उसमें सकारात्मक भावना लेकर यदि एक कवि एक व्यक्ति एक मानव एक छोटा प्राणी बहुत ही नेगेटिव फोट वाला इंसान भी आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो उस कोहरे को फेर कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो उसी कोहरे की आगोश में जब हमारा पथ शुरू हुआ अर्थात जैसे आपने सामने कोहरा देखा उस कोहरे को देखने के क्रम में और उसके पार मंजिल को देख मंजिल तक जाने के क्रम में जो बीच में हमारी ऊहा कोह चलती रहती है जो हमारी मनोभावनाएं चलती रहती है उसके बीच में किस तरह की परिस्थितियां आती है उसके बीच में किस तरह की समस्याएं आती है कितने लोग मिलते हैं कितना उसके बीच में हमारा परिवर्तन नजर आते हैं ये सब चीजों को हमने इस कविता संग्रह के माध्यम से संग्रह के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। चूंकि इस पुस्तक से मुझे काफी सारी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक मिली तो मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक जो है अभी तो हमारा एक छोटा सा कदम है मेरा एक छोटा सा कदम है लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहा निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो इस कोहरे के आगोश में इसकी जो हमारे पास में जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं मेरे द्वारा लिखी गई उसके बाद में जो इसके लिए हम लोग इसके बारे में भूमिका जो लिखी भूमिका लिखी गई इस पुस्तक की आप सब विदित होंगे हमारे बूंदी के क्योंकि बूंदी जो है वह विद्वानों की भूमि शुरू से ही रही है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने इस भूमि पर अपना लेखन किया उसके बाद से निरंतर इस भूमि से बहुत विद्वान निकलते रहे। हाँ मानते हैं कि लोग भले ही उनको कम जाने लेकिन उनकी जो लेखनी है उसने विश्व भर में अपनी पहचान छोड़ी है। उन्हीं में से एक थे हमारे रामस्वरूप जी बुंदला साहब जो हमारे बूंदी के एक तरह से हनुमान भी हैं काव्य क्षेत्र में क्योंकि उनके बिना इस बूंदी में काव्य क्षेत्र अभी वर्तमान में चलना संभव था लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से उन्हीं के द्वारा क्योंकि उनकी लेखनी जो है उनका ध्वनि काव्य संग्रह वो विदेश में काफी ज्यादा चर्चित रहा विदेश में भी और देश में भी उसके भाई को संग्रह और हाइकुकार के रूप में भगवती शरण जी अग्रवाल के बाद हाइकु के क्षेत्र में उनका दूसरा नाम लिया जाता है। तो उन्हीं के द्वारा मेरी ये समीक्षा करवाई गई उन्होंने भूमिका लिखी भूमिका जो थी भूमिका कुछ इस तरह से लिखी उन्होंने कि जो कोहरे की आगोश में है उनके शब्दों को दो चार लाइनों को आपके सामने समर्पित कर रहा हूं कि
इस पुस्तक में कहीं पर निर्गुण की आस्थाएं हैं तो कहीं पर प्रतीक्षा है, कहीं पर विचुण है तो कहीं पर स्मृतियों की संवेदना है। जैसे कवि की भाषा गंगा जमुनी है, परंतु पूरीतियों पर चोट, मानवीय प्रेम, करुणा, वो वात्सल्य और जीवन की सच्चाइयों व अंतिम सत्य से वो तापन से भी नहीं। ये उनका मेरे प्रति जो मन के भाव थे उन्हें मैं सशक्त नमन करता हूँ कि उन्होंने वास्तव में मेरे मन को समझने की कोशिश करी कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ एक बड़ा कवि या बड़ा लेखक ही उस चीज को, बड़ा साहित्यकार उस चीज को गहनता से समझ सकता है। तभी तो कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और समाज के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, समाज में क्या क्या हमारे सामने परेशानियां आ रही है, क्या क्या कुरीतियां है, इस तरह से हमारा ये परिवेश बदल रहा है, इसके बारे में कहा तो एक साहित्यकार ही देख सकता है। तो उनके भाव उन्होंने कहा मेरी पहली कविता थी, उम्मीद कभी मरती नहीं है। यदि आपने ठान लिया कि मुझे किसी चीज को प्राप्त करना है और उस चीज के प्रति यदि आपकी अगाध इच्छा शक्ति रही, यदि आपका अगाध प्रेम ईश्वर को पाने में रहा, जिसे आप एक तरह से माँ की ममता के रूप में देख सकते हैं, किसी इंसान के दूसरे के प्रति करुणा के रूप में देख सकते हैं, एक गाय की अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य में देख सकते हैं, यदि वही वाला प्रेम आपने भगवान से कर लिया, और या अब उस भगवान के, चूंकि लोग आस्तिक और नास्तिक हमारे बीच में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मानव धर्म है वो एक प्रकार से दो चीजों में बटा हुआ है, शुरू से ही रहा है, आस्तिकता और नास्तिकता, लेकिन रहा उनका उद्देश्य एक रहा, ईश्वर को प्राप्त करना, और ईश्वर आपकी मंजिल होती, उस मंजिल को यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको उसके प्रति अगाध प्रेम रखना होगा, आपकी वात्सल्यता रखनी होगी, वात्सल्य रखना होगा, आपकी वही करुणा का भाव रखना होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे अंदर वही खोला प्रेम जो हमने बचपन से हमारे ना समझ होने तक की आयु अवस्था में देखा था, यदि वही अगाध प्रेम हमारे अंदर जीवन भर रहता रहता है तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा होगा आपको निश्चित रूप से मिलता है, और जिसे हम एक प्रकार से सकारात्मक भाव के रूप में उम्मीद कर सकते हैं। तो उसी उम्मीद के ऊपर मेरी जो प्रथम कविता थी कि वक्त के तराजू पर तू विश्वास करता चल, हर कदम पर उम्मीदों की श्वास भरता चल, छद्म रूप धर कर बहाने असफलताएं आएंगी, व्यवस्था और कर्महीनता के आयाम भी हो लाएंगी, गर्द में ना झांक ना फिर ना रोक सकेगा कोई छल, हर कदम पर उम्मीदों की श्वास भरता चल, वक्त के तराजू पर तू विश्वास करता चल। तो ये मेरी कविता की जो प्रथम पंक्तियां थी, प्रथम चार लाइनें थी, इन चार लाइनों को मैंने कई जगह पर दोहराया भी सही, और लोगों में जो मेरे, चूंकि मैं रसायन विज्ञान का प्राध्यापक भी हूँ, तो मेरे कुंभियां भी सही अपने बच्चों को जा रहे, चूंकि विज्ञान का और साहित्य का बहुत गहरा संबंध शुरू से ही रहा है। आपको भी पता होगा कि जो वैज्ञानिक होते हैं उनके दिमाग में कभी ना कभी साहित्य श्रृंगार के प्रति भाव जरूर व्यक्त होता है, वही भाव हम ये कह सकते हैं कि रसायन के अंदर जो रस है वो रस आपके हिंदी में या साहित्य में अलग अलग रसों के रूप में प्रस्फुटित होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं रसायन का विद्यार्थी हूँ, तो मैं आप पर थोप नहीं सकता कि आप अगर रसायनज्ञ हैं तभी आप साहित्य के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा कतई मतलब नहीं है, लेकिन जहां आपने रसायन पढ़ा उस रसायन के रसों को जानने की कोशिश करी कि परमाणु एक दूसरे के पास तभी आ सकता है जब उन दोनों के मध्य विपरीत आवेश हो, तो उसी को मैंने जीवन में भी, और ये लगभग लगभग सभी कवि जान जाते हैं भैया रसायन विज्ञान का ही, तो ये तो अपनी केमिस्ट्री घुसाएगा, बात भी बिल्कुल सही है, अगर आपने रसायन को अच्छे से समझा है तो स्वतः ही आपके अंदर भी एक प्रेम भाव, एक साहित्यिक भाव जागृत होने लग जाएगा, ऐसी मेरी खुद की ये भावना है, और ऐसी मेरी ने करीब 40-50% जो लेखक और कवि है उनकी भावना रही, क्योंकि मैं जिनसे भी मिला हूं अभी तक उन्होंने यही कहा कि एक साहित्य का रसायन के साथ में बहुत गहरा अंतर संबंध है।
उसी के ऊपर मैंने भी रसायन को इस तरह से जीने की कोशिश करी कि साहित्य में उसका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित हो जाए। तो जो मुंद्रा साहब ने जो इस पंक्ति को लेकर जो इसमें भावनाएं लिखी, उन भावनाओं को आपके साथ थोड़ा सा और साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कवि ने धार्मिक निर्माण के नाम पर धर्म की मूल धारा से स्खलित होकर अधार्मिक ही नहीं बल्कि दानव उखार नारों को बदल दिया। इसके बारे में एक कविता थी मेरी, इसमें कविता हुआ कविता है, कविता जो है मिलता वही जो होता है, क्योंकि ये लाइन जो है ये आप सबके सब इससे वाकिफ हैं, तो इस लाइन से मैं इतना ज्यादा आपको, लेकिन इसके अंदर जो कविता लिखी गई वो कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों थी कि दिल्ली के अंदर मंदा का बालाजी के नाम पर हिंदू और मुस्लिम का जो दंगा हुआ था, क्योंकि इंसान इंसान होता है, इंसान में किसी भी प्रकार के न धर्म को माना जाता है न हिंदू मुस्लिम को माना जाता है, इंसान तो अपने आप को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है, तो वो स्वयं भी बोले अपने आप ईश्वर में समाविष्ट कर चाहते। तो उसी को मैंने लाइन में लिखने की कोशिश करी कि विष घुला है सांप्रदायिकता का, विष घुला है सांप्रदायिकता का, इंसान कहां चैन से सोता है पर एक दिन पछता ही नहीं है, क्योंकि मिलता वही जो होता है, क्योंकि मिलता वही जो होता है। तो ये पंक्तियां जो थी हमारे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ही इसको मैं एक तरह से वो कह सकता हूँ कि ये तब से चली आ रही रूढ़ियां हैं जब से हमारे मानव जात ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, या हम लोग कह सकते हैं कि जब से मानव समाज ने अपने संस्कारों को और अपने परिवेश को समझने की चेष्टा करना शुरू करी तब से ही हम ये चीजें देखते आ रहे हैं। आप राजपूत काल को ले लीजिए, लोगों में दास और राजा के बीच में जो प्रथाएं थी उनको वो काफी ज्यादा ही चलती, काफी ज्यादा चलती, दासों को दास की तरह गुलाम बनाकर एक तरह की सांप्रदायिकता है, धार्मिक उन्माद थे कि हम बड़े हैं, ये नीच हैं, ये छोटे जात के हैं, ये चीजें शुरू से चल गया। उसके बाद मुगल काल में नहीं थी, मुस्लिम जो थे वह हिंदुओं से रुष्ट हुए, हिंदू जो थे मुस्लिमों से रुष्ट हुए, ये विश्व जो है ना सांप्रदायिकता का ये शुरुआत से ही चलता। उसके बाद आप ले लीजिए मुगल काल, आपका मध्य काल, मध्य इतिहास, मध्य ऐतिहासिक काल को, आप हमारे आधुनिक भारत के काल को ले लीजिए, बेगार प्रथा चलाई गई, हमारी सती प्रथा चलाई गई, हमारी कई सारी प्रथाएं ऐसी थी जो बेकार में चलाई गई। किस लिए चलाई गई कि उच्च समाज जो है, कुलीन समाज जो है, दलित समाज, छोटे समाज को चेष्टा ऐसा करता है। तो ये एक प्रकार से क्या था, ये धार्मिक हस्तक्षेप था, धार्मिक रूढ़ियां थी जो कि हमारे समाज को, हमारे सांप्रदायिकता को कुचलने की कोशिश करी, संप्रदाय को कुचलने की कोशिश करी थी, और ये जवर हमेशा खुलता जा रहा है। तो चूंकि साहित्यकार के मन में ऐसा नहीं है कि वो जब परिस्थितियां देखे तभी लिख पाए, एक साहित्यकार जो है पढ़ते पढ़ते उसके मन में कई सारी भावनाएं जाती है, चाहे वो पुरानी बातों को पढ़ता है उससे नई चीजों को इजाद करता है, और उन चीजों को इस कविता के माध्यम से पेश किया था। तो ये कविता जो थी, इसके बाद एक कविता के बारे में, चूंकि मैं जो मेरी ये थी इस कविता को लिखनी थी, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तो आवारा पंछी हूँ, सब आजाद पंछी हूँ, तो उस पंछी के लिए, क्योंकि कविता जो पुस्तक है मेरी का वैसा किसी विशिष्ट विषय पर नहीं लिख करके मैंने अपने आपसे कहा कि पूरे के पार उस उम्मीद तक, उस मंजिल तक जाने की कोशिश में मैंने, जहां से मैं शुरू हुआ, जहां तक मैं अपनी मंजिल पर गया, उस मंजिल के बीच में क्या क्या चीजें आई, उसके बीच में करुणा आई, उसके बीच में दया, समाज सौंदर्य, वात्सल्य, विपरीत परिस्थितियां, सांप्रदायिक सद्भाव आया, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मतभेद आया, उसमें आतंकवाद आया, नक्सलवाद आया, हमारी जितनी चीजें थी वो सारी की सारी याद है, उन्हीं को मैंने 77 कविताओं इस पुस्तक में जो है 77 कविताएं हैं, तो उन 77 कविताओं के माध्यम से सबके सामने लाने की कोशिश करी, फिर चाहे वो राजनेता हो या वो एक छोटा सा कवि हो, एक छोटा सा विद्यार्थी हो, सबके इसमें लिखने की कोशिश करी। तो इसमें मेरे लड़पन की कविता थी पंछी ये, और उसमें जो लिखा मैंने
वो भी मैंने समाज से जुड़ कर ही लिखा कि मैं धर्म जाति का भेद भुला जा तहां लियो। ये पंक्ति जो थी, मैं धर्म जाति का भेद भुला जा तहां लियो। कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी जहां मैंने इस कविता को भूला, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़े स्टेज पर जाने जाने पाया, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया रहा है रसायन क्या होने की वजह से, विषय होने की वजह से कभी शोध भी कर रहा हूँ मैं, तो उसके बीच में मुझे समय नहीं पाया। इसी के चलते तो जहां पर भी मैंने कहीं अपने आसपास के स्टेज पर मैंने सुनाया भी है, तो अपने स्टेज पर भी जो सुनने वाले थे उन्होंने बाद में पूछा कि धर्म जाति का भेद भुला, यदि आप धर्म जाति का भेद भुला कर आगे बढ़ते हैं, एक आजाद पक्षी की तरह आप आगे बढ़ते हैं, तो आप तिलक को लगाते। तो ये जो चीज थी मुझे खटक भी गई, आप तिलक क्यों लगाते, आप धार्मिक चीजों को क्यों मानते हैं, आप मंदिर पर ही क्यों जाते हैं, आप मस्जिद में जाकर श्रद्धा करने के क्यों नहीं आते। तो एक सीधा सा उत्तर था मेरा कि हर चीज का एक वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक सत्य है। यदि आपने विज्ञान को बहुत गहनता से पढ़ा है, आप विज्ञान को बहुत उसके मर्म को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको उससे परिचित करवाना चाहूंगा कि वैज्ञानिक तथ्यों को जिसने अपने अंदर स्वीकारा है, वैज्ञानिक तथ्यों को जिसने समझा है, वो कभी ये बात नहीं कर सकता कि आप फलां धर्म को क्यों मानते हैं, आप फलां चीज को करते हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि धर्म जाति का भेद भुला कर आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहते। तो इसके पीछे वाला तर्क हमेशा यही रहता है कि आप वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने का मतलब है अपनी जो कुंडली शक्ति है उस कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए है, उसे हम तिलक के से समझा। फिर कहा कि मंदिर में क्यों जाते हैं, आप मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए, लेकिन आपकी जगह पर सकारात्मक भावना जुड़ेगी, आपको मन प्रभावित देगा, आपके जगह पर भी आप उस जगह पर जा सकते हैं। यदि आप वहां जा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सकारात्मकता मिलेगी, लेकिन आपका अगर मन प्रभावित नहीं देगा तो आप कहीं पर भी चले जाएंगे, आपको शांति मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि आप मस्जिद में जाएंगे, यदि मुझे शांति मिलती है तो मैं वहां निश्चित जाऊंगा, फिर चाहे मेरी भक्ति के विपक्ष में कोई कितने भी कर। ऐसा नहीं है कि धर्म जाति का भेद भुला कर मैं हमेशा ही बढ़ता जा रहा हूँ। ऐसा है धर्म जाति का भेद भुला मतलब हमारा धर्म है मानव धर्म, जिसे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट चुके, हमारा धर्म है मानव धर्म, हमारी जाति है इंसान की जाति। इन दोनों चीजों को जिसने जान लिया वह निश्चित रूप से फालतू की बकवास करेगा और सिर्फ विज्ञान प्रश्न को मानते हुए अपने कार्य में प्रगतिशील रहेगा, निश्चित रूप से वहां। तो इस पुस्तक की इस प्रकार से एक परिवर्तन कविता लिखी गई थी। परिवर्तन जो क्योंकि आप स्वयं भी जानते हैं, इस कविता के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा कि जो पुरानी चीजों को आज आप सबके सामने कोरोना जो है हम सबके सामने, कोरोना एक महामारी के रूप में पूरी अपने आप को सतर्क रखते हुए चलते या चले तो निश्चित रूप से हम किसी भी प्रकार की आपदा में नहीं बच सकते। और वही हुआ हमारे परिवर्तन जो कविता लिखी गई वो कुछ इसी तरह से थी कि हम पुरानी चीजों को भूल कर नई चीजों के पीछे इतने भागने लग गए थे कि प्रकृति ने स्वयं इसके खिलाफ अपनी आवाज बोली। तो उस परिवर्तक को जिस तरह से लिखा गया आप सबके सामने परिवर्तक कविता के कुछ अंश में प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर दो लाइन लिखी गई है और इन रातों में अब वो पा आप समझिए, भाव समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन रातों में बातें कहाँ रही जो हुआ करती थी, अलाव जलाकर चिटूरते बदल पर शोर ओढ़कर घंटों बतियाते रहते थे गाँव के, घंटों बतियाते रहते थे गाँव। आप उन चार लहरों के माध्यम से पूरी कविता का सार यूं समझ सकते हैं कि जहां पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर, जहां बच्चे धूल में सन करके अपनी कई सारी बीमारियों को छुअंतर कर दिया करते थे, जहां माए अपने बच्चों को धूल में खेलने के लिए छोड़ दिया करते थे,
जहाँ बाइबल पर पानी पानी लिखी जाती है, अपने आप की एक्सरसाइज कर लिया करते हैं, जहाँ खेल खेल में लोग खेल खेल में बच्चे अपनी एक्सरसाइज कर लिया करते थे, जहाँ वैसे देखा आज बड़े बड़े शहरों में उस व्यायाम को उन कसरतों को नहीं कर पाते, वो सारे की सारी चीजें पीछे लुप्त हो गई है, और वो जो चीजें लुप्त हो गई है वही हमारी आज कई बड़ी विपदाएं बनकर सामने उभर कर आ, जहां लोग अनाव जला कर एक दूसरे के पास बैठा कर खेलने रहते थे, उनमें अपने आप इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता था। रात के समय में ठिठुरती ठंड में जब बैठा रहेगा तो उसके अंदर स्वतः ही एक ऊर्जा उत्पन्न होती थी और वो ऊर्जा उसको करती थी, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि मन के हारे हारे तो मन की जीत है। अगर आपने मन में ये बिठा लिया, दिमाग में ये बिठा लिया कि हम मुझे बीमारी बीमारी तो निश्चित रूप से आप बीमार हो, और यदि आपने मन में सोच लिया अरे यार क्या बीमारी छूट के चली जाएगी, हाँ होता ही मत कर, लेकिन अपने नकारात्मक भी मत बनाने का था, सकारात्मक बनाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से वहां यही होता था सकारात्मक, हम नहीं, मैं तो अभी के जमाने का हूँ तो मेरा तो खुद का आइडिया नहीं है, पर हाँ बचपन में हम नहीं जलाते और अभी भी कई बार जलाई लेते हैं, छत पर बैठ कर सही लेते हैं, बैठने की जो चारों तरफ माता कोई भी और सबके बीच में से हम सीढ़ी चला रहे हैं, तो नई चीजें छूट देंगे हमारे पीछे, तो उनमें क्या होता था 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 10-11 बजे तक बैठे रहते थे, उधर कुछ गीत गालियां कुछ गप्पे बैठे आधे बैठे बैठे, तो उनके अंदर अपने आप इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए, और इम्यून सिस्टम ही तो है वो जो मन के हारे हारे बातें ही एक मन की जीते, वो इसी वजह से तो कहीं देखते हैं कि आपने मन में सोच लिया कि उसे ठंड कितने देर बैठा रहा, तो निश्चित रूप से आपको ठंड नहीं, तो वही चीज हमारी परिवर्तित हो गई है, और आज हम बड़ी बड़ी आपदा शिकार हो रहे, बड़ी बड़ी महामारी शिकार हो रहे, पहले चिकनगुनिया आया साल पहले चिकनगुनिया आया, फिर डेंगू आया, फिर डेंगू के बाद ये हमारा प्रॉब्लम है, ये चीजें किस तरह से ये एक प्रकार से हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाने की वजह से कमजोर हो जाने की वजह से हमारे ऊपर आरोपित हो रही है, तो परिवर्तन कविता के माध्यम से मेरे लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि हम अपनी चीजों को ना छोड़े, अपनी जो पुरानी चीजें हैं उन चीजों को हम स्वतः ही बढ़ने दें, पुरानी चीजों को अपनाते रहे, आप मैं ऐसा भी नहीं कहते उन सारी चीजों को, लेकिन कुछ चीजों को हम लोग अभी भी अपना सकते हैं, तो इसी के लिए इसके बाद है मेरे पास में एक कविता पिता, जो मैंने मातृभाव को माता पिता के बारे में की हर कभी लिखते हैं, मेरा एक छोटा सा प्रयास था पिताजी के ऊपर, अपने पिताजी को बचपन से कई सारी परिस्थितियों का सामना पाया है, माता और पिता मुझे परिस्थितियों में हम 4 दिन में बड़ा किया, उन्हीं परिस्थितियों में तस्वीरें भी देखी जो भाव देखे, क्योंकि माँ होकर आंसू बहाकर अपने बेटे को भाव व्यक्त कर दिया, वो कभी भी से नहीं हुआ, लेकिन अपने अंदर ही उसकी कई सारी मजबूतियां थी, उन मजबूतियों चेहरे पर आंसुओं के तरंग लगाकर बल्कि हंस कर और अपने अंदर ही दबाते सामर्थ्य होती है, सिर्फ उसी उस पिता के लिए मेरी कुछ एक खुशियों का व्यापक संसार है, हिम्मतों का विस्तृत आधार है, गुरुत्व की झलक और पुरुष शब्द का आधार है, संतान के स्वप्न निर्माता और प्रकृति के आधार, हर दुख को हंस कर सहना केवल पिता की ही बस में है, और पिता की हर खुशी के बच्चों के ही यश में, अपने स्वप्नों को कर उछल बच्चों का स्वप्न बनाते हैं, उन पिता पिता को बच्चे जमाने खुद पर बोझ रहा, आज की सबसे बड़ी विडंबना ये है, और जानकर सब कुछ सारी बातें जानकर मेरे सामने बैठने वाले जितने भी श्रोता दुनिया पर है
मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि जितने भी इस वीडियो को देखेंगे वो भी इस बात को भले अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, लेकिन उनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से अपने उतना ही अपनी मदद उतना ही लोग समझते हैं जितना कि हम अपने बाहर घर के बाहर खाना खाते समय घर के बाहर समझते रहते। जब हम खाना खाते रहते हैं जिस तरह से सामने बैठा रहता है लाल टपकाता रहता है तो हमें वो बहुत से लंबे लंबे रहता है, चाहे हम कितनी भी रोटी डाल दें वो हमें बहुत लंबे रहता है। इसी तरह से माता और ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इस देश के 20 से 30% युवा ऐसे है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की नफरत के कारण अपने घर तो यहाँ वो जो भावना थी उस भावना को सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी किताब पुस्तक के माध्यम से। और पिता की जो छवि है जो हमारे दिमाग में बैठी रहती है, ये एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो माँ से उतनी ज्यादा नहीं डरती जितनी अपने पिता से डरती रहती है। एक लड़का जो होता है ये तो हर लड़की की बात लड़कियों की बात करना चाहता हूँ जो किसी तरह से बोझ मार ले जाती है। आजकल ये कटु सत्य है, बिल्कुल कटु सत्य है कि लड़का और लड़की जैसे ही जवान होने लगते हैं दिमाग में इच्छा चलने लग जाती है माता पिता से छुटकारा पाकर और हम दूसरे घर में जाए या हमारी शादी हो जाए ताकि दूसरे घर में जाए और इससे तो इंतजार होने वाले। मैं हर लड़की को नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैंने कई लड़कियों को देखा है और इस कटु सत्य को मैंने अपने अंतर में स्वीकारा भी था, स्वीकारा नहीं है हमेशा से। तो ये चीज जो है मेरे मन को बहुत कचोट सी है कि जिस जिन इंसानों ने जिन दोनों ने इस संसार को इतना अंदर इतना सुंदर बनाया है संसार के उस संसार को आप बर्बाद कर दिए जाने की सोचते होंगे और उससे दूर जाने की इसी के प्रति। इसके बाद में इस कविता इस पुस्तक में एक कविता है व्यंग्य चुनाव बाहुल, व्यंग्य जो चुनाव बाहुल की सच्चाई इसके नाम से शीर्षक के नाम से एक कविता है। क्योंकि बहुत अच्छा तो कविता है मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि छंदोबद्ध जो कविता है छंदोबद्ध कविताबंदी कविता है लिखी है और मुक्त छंद कविता है लिखी है। तो मुक्त छंद कविता क्या है कि भाव को समझाने के लिए बहुत ही कारगर माध्यम होती है, उनमें व्यंजना का इस्तेमाल होता है तीन शब्द सत्य जो हमारी हिंदी में अक्षर होगा। तो अभी चाहे एक सरल भाषा में कविता है तो हम व्यंजना शब्द सत्य की अगर बात करें व्यंजना में समझाने का जो कार्य होता है वो सिर्फ मुक्त छंद कविता ही होती है। तो इस पर मैंने एक कविता जो लिखी कुछ ऐसे है। जब आपने देखा होगा कि चुनावी वादे करते करते हमारे घरों में घरों में घुस जाते हैं और माता पिता जिन लोगों उन लोगों के चरण छूने लग जाते हैं जिन लोगों को वो चुनाव जीतने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद अपने गार्ड से लेकर बाहर से भिजवा देते भगवा देते उन लोगों के चरण छूते में पखारते हुए नजर आते। तो उन्हीं राजनेताओं के लिए उन चुनावी भेड़ियों के लिए या मैं सभी राजनेताओं के नहीं कह रहे शब्द सूचक शब्द है वो इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि जिस तरह से हम बात को बदलते हैं लोग बात को बदलते हैं उसी के ऊपर जो नेता बात को उसी के ऊपर सच्चाई होती है। ये सुना है जलाशयों को सावन की सौगात चुनावी माहौल आने लगता है तो गाँव में बहुत प्रचार प्रसार होता है हमारे शहर में आसपास बहुत प्रचार प्रसार होने लगता है। तो उस प्रचार प्रसार के ऊपर ही सुना है जलाशयों को सावन की सौगात मिली है आप समझिए इसको और किनारे के फूटों को नए जीवन की आस पड़ती। सुना है जलाशयों को सावन की सौगात मिली है और किनारे के फूटों को नए जीवन की आस मिली आस पड़ती। मगरमच्छों की आवाजाही शुरू हो गई और बीच बीच में देखो सांकुले और जीरा खुदक रहे और बीच बीच में सांकुले और जीरा खुदक रहे। बिल्कुल सही बात है कि हम जो छोटे छोटे लोग जिनका ताल्लुक ही नहीं होता आपने देखा होगा चुनावी माहौल में जैसे चुनावी रैली जा रही होती है चुनावी रैली के पीछे पलाना जिंदाबाद राम सिंह जिंदाबाद और रूप सिंह जिंदाबाद इस तरह के नारे लगाते हुए दिखाई देते भले उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है वो आस पास से इधर उधर से मार्केट में चाय पी रहे थे साहब और इधर से निकले
सब चुनाव के चुनावी जा रही है और सामने से कुछ लोग चुनाव में जा रही है मिठाई वगैरह चलते हैं तो इसमें शामिल हो जाते हैं जबरदस्ती लगाने लग जाते हैं नेताजी के भी काफी कुछ सारे संगठन पार्टी के लोग देते से फिर इन्वेस्टर्स से भी देते हैं फिर जिनसे उन्होंने झूठे वादे किए थे लोग ऐसी क्षमता रखने का मामला। लेकिन हाँ उस बात को छोड़कर महाराणा मुस्कुराते आते हैं और बीच में उसमें देखो संतुलन और जीरा को रहे हैं सोचते थे जो कि बख्तर बंद है उनके इलाके हमेशा से सॉरी कि सोचते थे जो कि बख्तर बंद है उनके इलाके हमेशा से ये पुराने नेताओं की बात हो रही है उन मगरमच्छों को मगरमच्छों के बंदर बच्चों की तरह लगातार सुनाई पंजाब दे रहे हैं सोचते थे जो कि बख्तर बने थे उनके इलाके हमेशा से उन मगरमच्छों के बंदर दोस्तों की लगातार सुनाई पंजाब दे रहे ये जो लाइन की गई उन मगरमच्छों के बंदर दोस्तों से उस कहानी से भी देखिए तो मगरमच्छ और बंदर की कहानी है कि मेरा कलेजा जो है वो तो पेड़ पर टंगा हो गया तो कुछ इस तरह से इसको आप यहाँ जोड़ करके देखिए समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और समझ में आ रहे हैं तो चूंकि आशा यही कि सभी को समझ में आ जाए उन मगरमच्छों के बंदर दोस्तों की लगातार सुनाई पंजाब दे रही है ढूंढ कब तक बंदरों की काल्पनिक दिन लटका दी उन्होंने कब तक बंदरों को काल्पनिक दिल लटका दिखाएंगे आंधी से कि जलों को भी मात मिल रही है और सुना है जलाशय सामने की सौगात मिल सफेद पोश हंस और बदके तो भी दूर देश से आने लगे थे सत्ता जो डटी रहती है वो तो राजधानी में डटी रहती है भारत की राजधानी में डटी तो धीरे धीरे आती है जो छोटा मोटा जो नेता चुनाव लड़ता है विधायक के लिए जो चुनाव लड़े जाते हैं या सांसदों के लिए चुनाव लड़े हैं वो तो पहले छोटे छोटे लोग आते हैं कि जो विधायक में खड़े हुए वो लोग आते हैं फिर उनके पक्ष में बड़े बड़े लोग आते हैं जैसे अभी अभी सुप्रीम के पक्ष में बंगाल मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा सभी की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने अपने विचार के लिए बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोगों को जिनमें बॉलीवुड एक्टर्स आ सकते हैं जिनमें हमारे मॉडल्स आ सकते हैं जिनमें हमारे पुराने वाले जो मिनिस्टर्स हैं वो आ सकते हैं शुरुआती प्रधानमंत्री जी जो हमारे वहां सत्ता में बैठे रहते हैं वो बोल सकते हैं बड़े बड़े तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ सफेद पोश हंस वो जो दूर बैठे हुए और बदके तो अभी दूर देश से आने बाकी है क्योंकि तो उन्हें तो आजकल विदेशी पंछी का तमगा जो मिला जो अपने सुरक्षित माहौल में आना पसंद करते हैं एकदम सावन पूरा बरस जाने के बाद अब यहाँ आप इसे किस तरह से लेते हैं या आपके ऊपर है क्योंकि इसका सीधा निशाना मैं बनाना चाहूंगा लेकिन इस लाइन को आप मैं दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत करूं क्योंकि सफेद पंच बच्चे तो अभी दूर देश से आने वाले हैं क्योंकि उन्हें तो आजकल विदेशी पंछी का तमगा मिला हुआ है जो अपने सुरक्षित माहौल में आना पसंद करते हैं क्योंकि तो अच्छा महाराज और केकड़ा जी हो जाती है जो जलाशय में कीचड़ होने तक भी जद्दोजहद में रहे। अब ये वो कड़ी है जो बड़े नेताओं और छोटे नेताओं के बीच में मतलब जिन्हें हम लोग ये कह सकते हैं कि वो गठबंधन कराने में लगे हैं तो उनके ऊपर ही बात कही अच्छा जी और केकड़ा जी जद्दोजहद में लगे रहते हैं नई बारिश की चाह में अंततो गत्तों का छक्का खोल उतर जाता है और केकड़े जी पैर पसार देते हैं खुद ही या मछुआरों के बच्चे गुरुजी बनाकर पैर पसार देते हैं ऐसी मुझे परपुरवाई की आहट मिल रही है और सुना है जलाशयों को सावन की सौगात मिल मगर कहो कुछ भी जीरा की तो सागर तक ही दौड़ है जबकि मगरमच्छों का तो केवल जलाशयों में जोड़ है। बहुत बड़ी बात है कि हम जिन लोगों को समझते हैं ना आपने भी देखा होगा क्लास कक्षा के अंदर जो बिल्कुल नादान सा बच्चा होता है जो बहुत इंटेलिजेंट हो तो क्या करते हैं वो तो इंजीनियरिंग करके बड़ी इसे मुझे गूगल बुला लेंगे गूगल किसी हो तो मुझे फोन आ जाएगा विदेश में मुझे जॉब और एक वो होते हैं जो मीडियम चार्ज से चलते हैं बिल्कुल धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें मतलब जिन्हें हम जीरा कह सकते हैं जी अनुभव में जीरा जीरा का मतलब होता है छोटी जो मछलियां होती है जलाशय में जो छोटी मछलियां होती है उन्हें जीरा कहा जाता है जो छोटी मछलियां होती है
उनके भाव को लेकर क्या आप इंसान के साथ में जोड़ने की कोशिश की थी कि हम जो छोटे लोग होते हैं जिनका बहुत ज्यादा पहुंच नहीं होती, जो आम जन की तरह आम जन जिन्हें अपने सुबह खाना खाया और सुबह के बाद इन जा रही है कि कुछ नहीं कहो जीरा की तो सागर तक के लिए और मगर बच्चों का भी जलाशयों में गठजो चाहे राजनीति की ध्वनि हमारे चरणों में आती हो जाए घरों में आती हो जाए कितने भी बड़े पद है, लेकिन जो जीरा होता है जो आमजन होता है जो अपने आप में विश्वास रखता है अपने नॉर्मल प्रक्रिया से विश्वास रखकर जो आगे बढ़ता रहता है उसकी दौड़ जो होती है और ऐसा चूंकि अभी तो नहीं देखने में आता। पुराने जमाने में राजा जो होते थे युद्ध लड़के और जैसे बलबन था हमारा बलबन ने काफी राज किया तो उसकी नीतियां जो थी अलाउद्दीन खिलजी जो थे अलाउद्दीन खिलजी ने भी काफी राज किया सम्राट अशोक की तरफ तो दूसरा जाता उसको मार कर उसे खत्म करके और आगे बढ़ते दूसरे राजा जो होते थे राजनीति संभाल लेते एक को मारा दूसरे को किया एक को मारा दूसरे को किया उसकी बोले थे हमारे राजस्थान के राजनीति हमारे जो चित्तौड़ के राजा थे उन्होंने सभी राजाओं का यह हाल थोड़ी देर उसने बाप की हत्या कर बाप ने बेटे को दूसरा राज्य सौंप दिया दूसरे राज्य में उसके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। ये चीजें शुरू से सत्ता पक्ष में राजनीति में सदैव से एक चीज चलती आती है कि एक के पेड़ पर पुरानी बात नहीं और दूसरे के पेड़ को खड़ा करना है लेकिन दूसरे के पेड़ को जो खड़ा करना है उसकी जड़े पहले से इतनी कमजोर करके उसे खड़ा किया जाता है कि लोग बन जाए। ये चीजें हमारी राजनीति तो उन चीजों को मैंने कहा है कि मगरमच्छों की केवल जलाशयों तक ही जलाशयों में ही कट छोड़ो चंद दाने और आटा दाल कर कुछ मछलियों का तो ईमान खरीद लिया क्योंकि मजबूरी और बोलापन कुछ नहीं होता है पर तूफान पहले मगरमच्छों की ही सुन लेते हैं ये खोल कर कौन जलाशयों में बुर्ज खड़े कर पाया सपोले तैयार जो बैठे अपनी फुटकार देते मगर उनके लिए तो डीडो से बात हो रही है डीडो जाते हैं जो नाली वाले जो छोटे छोटे सांप आ जाते हैं अभी भी आ जाते हैं उनको डीडो कहा जाता है सामान्य भाषा में तो डीडो की जैसे रुका तो रही सांप बनने की कोशिश करते हो उनके डीडो भी किसी ने कहा और सुना है जलाशय को सोखा तो ये कविता जो थी चुनावी माहौल की बिल्कुल पूरी सच्चाई को बयान कर मेरा तो यही कहना है कि इसे जरूर पढ़े वो लोग भी जो निश्चित रूप से व्यंजना के रूप में राजनीति को समझना चाहते हैं। एक कविता जो मैंने देखा अच्छा मैं इस चीज के बारे में इस पुस्तक के बारे में एक चीज और आपसे इस पुस्तक की दो समीक्षाएं करवाई मैंने दो समीक्षाएं करवाई क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो बड़े बहुत बड़े कवि होते हैं बहुत बड़े लेखक होते हैं उनका तो नाम सो देश समाज में चलता रहता है देश में चलता रहता है आपकी चलता तो उनकी तो अगर समीक्षा ना भी करे भूमिका नहीं मिलती तो भी उसकी क्या तो अपने प्रस्तावना से ही लोगों के बीच में लोग फ्री होते पता नहीं वो किस भाषा से किस तरह से लोग फ्री होते मेरा ऐसा मानना है कि सरल भाषा में विशेष बात करना साहित्य की सबसे बड़ी मान लिया हमारे सर हैं डॉक्टर रमेश सिंह जी मेरा जो हिंदी महाविद्यालय में कार्यरत थे यहाँ पर व्याख्याता है वो उनसे मैंने यही सीखा उन्होंने उनसे मैंने एक बार प्रश्न किया था कि गुरुदेव आप मुझे एक बात बताइए कि साहित्य को क्लिष्ट भाषा में लिखना ज्यादा या लोगों की समझ में आता ज्यादा बेहतर होता है या फिर एक सरल भाषा में लिखकर विशेष चीज को पहुंचा रहे उन्होंने कि सरल भाषा में लिखो लेकिन बात विशेष होनी चाहिए तो उसी को मैं फॉलो कर पाया जीवन में हमेशा ये चीज में फॉलो नहीं करता क्योंकि बहुत क्लिष्ट बना देने का मतलब नहीं है मतलब है कि आप समाज के सामने चीजों को समझाना नहीं चाह रहे आप केवल समृद्धि में समृद्ध होना चाहते हैं उनकी व्यापार से जुड़ी हो उस भाषा में समृद्ध होना चाहते हैं तो मैं सरल भाषा लिख करके विशेष बात लिखने की कोशिश करता और मैं धन्यवाद।
चीज को। देखिए मैंने मैंने कई बार उसी साहित्य के बारे में छोटी बातें कम बातें विशिष्ट बातें और उस एक लाइन को भी पकड़ने की कोशिश की। यहाँ मेरे पास में एक कविता जो मैं इस पुस्तक के बारे में पानी करूंगा, इस पुस्तक के बारे में होगा तो जो बड़े लोग हैं भूमिका से काम चला देते हैं, तो मैं इसके दो लोगों से समीक्षा कर कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि गलत संदेश जाता है साहित्य में यदि आप गलत चीजों को समाज के सामने पेश करते। यदि आपके मन में है कि आपका साहित्य समाज को पूर्ण रूप से संगठित करने में समाज के हित में हो, तो निश्चित रूप से आपको उस साहित्य को विशेष लिखना होगा, उस साहित्य को ऐसा संदेश देने वाला लिखना होगा जो लोगों को जो लोगों को उड़ बेकार मेरी हमेशा से कविता के अंदर, क्योंकि कवि सम्मेलनों में तो आज के लिए उल्टा सीधा काम होने लगे कि पूर्णता ही पूर्णता पूछी जा रही, और मैं बिल्कुल इसका विपक्षी रहा हूँ। इसीलिए भी मेरा कभी मन नहीं होता कि मैं सम्मेलन में जाता और अपनी कविता का वाचन करूँ, क्योंकि जो साहित्य उसकी खिल्ली उठती है और जो पुराण शब्द होते हैं उनको ठोस ठोस कर ठोस ठोस कर साहित्य को बेकार लोगों में गलत गलत संदेश दिया जाता है। और ये सबसे बड़ी हमारे राष्ट्र की विडंबना है कि जो बड़े बड़े लोग थे साहब थे हरिमोहन कुमार साहब थे, उन लोगों को सुनने के बजाय आज लोग चुटकुले टाइप के कवि जो होते हैं ना उन लोगों को सुनना पसंद करते, तो उन चुटकुले बाजों से मैं हमेशा दूर रहना चाहता हूँ। यही चीज है कि मैंने अपने जो पुस्तक थी उसकी समीक्षा दो लोगों से, प्रथम समीक्षा के बारे में मैंने आपसे कहा कि हमारे बहुत बड़े कवि हैं भुल्ला साहब गजलकार से करवाए, क्योंकि उन्होंने काफी समृद्ध साहित्य लिखा, भले उनकी पुस्तकें कम छपी, एक ही पुस्तक छपी उनकी, लेकिन उन्होंने देश की पूरी पुस्तकें जो है पूरी जो पत्रिका है उनमें हमेशा से अपना नाम कमाया है, बहुत नाम ऊंचा रहा है। आज भी उनको पढ़कर लोग उनकी प्रतिक्रिया देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसी प्रतिक्रियाएं जो होती है वास्तव में ऐसी इंसान को एक साहित्यकार को निश्चित रूप से बोलना चाहिए और फिर भी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए इंसान है। दूसरी जो मेरी मैंने भूमिका लिखाई समीक्षा करवाई समीक्षात्मक विमोचन करवाया वो हमारे अजमेर महाविद्यालय सावित्रीबाई महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय, उसमें जो हमारे मैम थी पाठक जिन्होंने व्याकरण पर, क्योंकि एक तो हमारा हो गया हमारे हो गए बड़े कवि और एक इसकी व्याकरण को देखने के लिए, कई व्याकरण में कई त्रुटियां तो नहीं है, इस चीज को देखने के लिए उन्होंने उनसे व्याकरण के ऊपर भी अपनी शिक्षा ली थी राजकीय अजमेर, तो इनसे मैंने उसी व्याकरण के ऊपर इस वक्त करने तथा भावों को किस तरह से बंधों में अपने शब्दों में उन शब्दों को करने के लिए शुद्ध गुरुओं के मैंने उनसे समीक्षा कर विमलेश जी पाठक नाम है उनका, बहुत ही मैं उनसे जो है एक ही बार मिला उनसे, दूसरी बार भी खुद अपने महाविद्यालय लेकिन जब पहली बार मिला तब से मेरे दिमाग में आ गए थे, क्योंकि मैं गर्ज पा से 2016 से, तो 2014 से मेरी दूसरी किताब पूरी किया मन था, और जब मैं फर्स्ट बार उनसे मिला 15 में तब से मैंने मानस बना लिया था कि समस्या इनसे की पुस्तक उनकी 2019 में 18-19 में आती, तो इसीलिए उनसे करवाई मिले। और उन्होंने जो इस पुस्तक के बारे में लिखा उन्होंने कहा कि चेतन और अवचेतन के घटक दूरता उत्तरता तो इस नाम से उन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चेतना चेतन और अवचेतन के घटक दूरता उत्तरता तो बिल्कुल सही पहचान वाली उन्होंने। वे जहां एक और ईश्वरवाद का समर्थक रहा हूं उन्हें शासन दर्शन का समर्थक रहा हूं वही दूसरी ओर मानव के हितों की मैंने उस दर्शन को उतारने की कोशिश की, उस फिलोसॉफी को उतारने की कोशिश करी कि इंसान के साथ में यदि ईश्वर तत्व का संबंध नहीं होता, नास्तिकता पूर्ण रूप से होती है अर्थात ईश्वर नहीं है वहां पर, तो निश्चित रूप से हम आज वह लोग जो ईश्वर को पता ही नहीं मानते खड़े खोटे से जो मैं कहता हूँ कि ईश्वर हर जगह पर है, हम ईश्वर के हर कर्म ईश्वर का से आपके हर सांस ईश्वर की, तो आप चेतन के साथ में उस पारब्रह्म परमेश्वर को यदि जोड़कर तो निश्चित रूप से आपका निश्चित होगा, आपके भाव भी विकसित होंगे,
आपके मन जो आकांक्षाएं और समाज के प्रति आपका जो संदेश देना है, आपको समाज की जो सेवा करने का भाव आप विकसित होगा। तो उन्होंने कहा कि कविता विश्वास का नाम है प्रतिरोध का, साथ ही एक जीत के साथ एक संवेदनशील मानी कविता सर्जनात्मक संवेदना शुरू से जुड़ी हुई रही है, क्योंकि वो अपने परिवेश को कुछ और तरीके से तथा सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। एक बहुत ही इन्होंने मनपसंद की बात की। मैं आशा करता हूँ कि वो निश्चित रूप से मेरी जो आने वाली उसके क्या उन्होंने उनकी भी समस्या से पहले से करते हैं। देखिए होता क्या है कि इंसान का इंसान से जो मिलन होता है, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के मन का मिलना हो, पहली बात तो ये होती है कि आपका तालमेल उसके साथ में आपकी और उसकी दिनचर्या में और उसके जो दैनिक गतिविधियां। दूसरा आपका मन भी नहीं होता, जिसे जो जिससे जो हमारा मन मिला, मेरा जो मन मिला, तो यही था मन में मकसद यही था कि उन्होंने जो कार्य जितने भी कार्य होता है वो सारे कार्य निश्चित रूप से समाज के हित में करवाए जाए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अपने ही हित में, क्योंकि इंसान का दोनों तरफ से, मेरा भी हित छुपा हुआ है तो आपका भी छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ है, सबका हित छुपा हुआ रहता है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात होती है कि वो उस हित से ज्यादा समाज का हित जो है, राष्ट्र का हित, उसके बारे में ध्यान और अपनी बात। तो ये चीज इनसे मेरा इसीलिए मिलना पड़ा, इनसे मुलाकात कहती, लेकिन उस चीज से मेरा कुछ इस तरह का संबंध जुड़ा कि मैंने हमेशा सोचा कि मैं दोबारा से फिर से लगाऊ इस कार्यक्रम में, फिर से लगाऊ भले एक समाज के रूप में कविता को परिचर्चा के लेकिन आना जरूरी। तो उसी के रूप में ये जो थे इन्होंने जो यहाँ पर करी विवेचना जो करी, समीक्षा जो करी, उस समीक्षा में एक चीज थी, एक कविता थी मेरी, एक रचनाकार लेखक समाज को और उसकी विसंगतियों को करीब से देखता है, उन पर दुखी होता है और उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए परिवेश को कुछ आसान बनाने के लिए चलाते और परकाया प्रवेश कर जाने की प्रवेश कर जाने पर कितने संतृप्त मन पर रूप का नरम आदर देता है। हेमचंद की कविताएं इसी आदिशी के आसपास इसमें कहा गया कविता की मेरी कि राम को रमजान में पूजो या कहीं नानक को भी बनकर कविता जो थी मंथन की एक प्रकार का कि हम लोग जो सांप्रदायिकता के झगड़े में भुजे हुए उन चीजों को हम लोग छोड़े और आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक हुंकार कविता मेरी जो हुंकार कविता है इसमें देखता हूँ बहुत ही अच्छी कविता है, उसको मैंने कई जगह पर बोला भी है और उससे मुझे काफी तारीफ भी मिली है। कविता जो थी 2014 में लिखी गई थी, 2014-15 में। इस कविता को पढ़कर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा क्योंकि समय की महत्ता जो होती है वो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण होती है। कवि इस पुस्तक की कई सारी कविता मैंने आपसे समझा क्यों कार कविता है कि कार का कृपाण ले बीज ले और बाद का तीक्ष्ण कृपाणों से आघात करने निकला हूँ, विध्वंस करने का महाकाल बनने निकला हूँ कि त्राही माम अबला की पुकार है, कश्मीर की क्यारियों में लाशों की चित्कार है, काल के कृपाण से स्वयं कांप रहा काल है, रक्त रंजित शोक युक्त मां भारती का बाल है, भेद रही है छात्रियों तो सनसनाती गोलियां, रोंदती है भेड़ियों की क्रूर निर्मम टोलियां, खप्पर ले उंगलियों का रक्तपान करने निकला हूं और विध्वंस करने पाप आकार बनने निकला। ये एक रोष था मेरे अंदर, समाज की जिस तरह से गति हो रही, समाज की निर्बाध गति को हम रोक नहीं सकते, लेकिन समाज के अंदर जब कुरूतियां जन्म ले लेती है, अत्याचार होने लगता है, समाज का दर्पण दिखाने के लिए एक सशक्त कलमकार उठने लगता है। इसका मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी पुस्तक लिखी, पुस्तक वो एक तरह के क्रूर शासन के खिलाफ लिखे, उस चीज के लिए हमेशा कलम उठती रहनी चाहिए और वो एक रोष हमेशा हर कवि के मन में होना चाहिए, क्योंकि जब तक राष्ट्र हित नहीं है तब हमेशा हित काम नहीं कर सकता। पर एक सरस धर्म नहीं भाई तुलसीदास जी ने कहा है, तो उसी के दूसरी पैरा सुनिए आप कि द्रौपदी आपने देखा होगा अभी काफी बलात्कार, हम लोग इतने मतलब अपने आप को निर्मम बना चुके
लोग इतने अन्यायी हो गए कि हमारी मानवता की सारी हदें पार कर दी, और हर बार एक न एक कमी इस चीज के प्रतियोगिता आ रहा है। मैंने भी कुछ इसी तरह से लिखने की कोशिश करी कि द्रौपदियों का चीर हरता दुशासन निर्जरमा है, हवस की भेंट चलती भारत की लंका है, रंगों के त्योहारों में भी सिंदूर बहनों का उजला है, इतनी भारत की लंका है, रोती रोज ये झुकती है, कोयले की कलंक से अब कोयला भी काला है, न्याय की तुला पर तुलता राष्ट्र गर्व वाला है, देश के फुटपाथों पर चिंता मजदूरों का निमाला है, अरे दिल्ली के सिंहासन पर अभिमान का उछाला है, भूखे मासूम बेबसों का जलपान करने निकला हूँ, वर्ष करने का पाताल। और एक चीज जो थी हमारी कि आतंकवाद के सामने हमारी सरकारें जो है कई बार घुटने टेक दी, कसाब जो था उसको किस तरह की उसी टाइम की कविता है उसकी थोड़ी बात की, कसाब को किस तरह से लोगों ने बड़े आराम से अधिकार रखा जाता है, जेलों के अंदर रखा जाता है, पूरी सुविधाएं दी जाती है, फिर भी उनको फांसी की सजा होती है, उस दिन पे उनको बहुत अच्छे से जिस तरह से बकरे को हलाल किया जाता है उसके पहले, अरे उनकी तो बकरे के हलाल को तो बेचारे को 2 दिन के लिए खाना पीना ढंग से दिया जाता है, लेकिन कसाब जैसे आतंकवादियों को कई दिनों तक पूरी सब व्यवस्थाएं दी जाती है, ये भी सुविधाएं दी जाती है, उनको तो फटाफट से मार देना चाहिए। हमारे पुलवामा के विद्रोह में अभी नक्सलवाद नहीं किया, नक्सलवाद की वजह से पूरे के पूरे सैनिक चलते बेचारे सैनिक उनको लाल मौत के घाट उतार दिया था, ऐसे लोगों अगर हाँ था जाए तो ऐसे लोगों को चौराहों के बीच में सजा देनी चाहिए। इसी के ऊपर मेरा यह रोष था कि मेरे वतन की सर जमीन पर इज्जत का नंगा नाच है, सरकारों की दलीजों पर आतंकी सरताज है, उन पापी हत्यारों को जेलों में सुनाई मिलती है, देश के धन दौलत पर केवल हत्यारों की चलती है, लाल किले के मस्तक पर होता रोज तिरंगा है, राजनीति के गलियारों में मौसम भी सतरंगा है, अपनी तूती बजवाने को हत्याएं भी होती है, संसद में अपनों के बीच हर रोज कैसे होती है, पार्टियों के नाम पर बिकते अंत हिंद के अवाम है, और विदेशियों के अंत सारे काम है, कब तक हिंद में गैरों की, ये उस समय की बात है, अभी गलवान घाटी में चीन ने जो अटैक किया इस पर हमने इतना ज्यादा तो नहीं दिया, फिर भी हमने इसका पूरा उत्तर दिया, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है, अभी मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री इसलिए शायद इस तरह से उनको उत्तर भी मिल पा रहे हैं, लेकिन कई बार उनके बारों का राज हो जाता है, उस राजनीति के खिलाफ समझते कि कब तक हिंद में गैरों की मनमानी चलती जाएगी, कब तक देश की दौलत को सरकारें लुटवाएंगी, कौन बनेगा देश का गोरा, कौन कब निकलाएगा, क्या फिर से मेरा प्यारा भारत निकलेगा, क्या फिर से मेरा प्यारा, आज इसी भारत की जनता को पूरा परिणाम दे विध्वंस करने का विध्वंस करने का दोस्तों, इस प्रकार का जो रोष है, इस रोष से इसके जैसी कई सारी कविताएं इस पुस्तक के अंदर समाहित करी है, और नारी की जो पीड़ा थी उसे मैंने पतंग के रूप में कोशिश करी, पतंग को जिस तरह से पतंग बच जाती है, जब तक डोर रहती है तब तक हम पतंग को पूरा सम्मान देते हैं, बहुत ऊंची उड़ रही होती है, लेकिन जैसे पतंग उसके दूसरे दिन हालत जो खराब हो जाती है वही हालत नारी के डोर शादी करके उसे बंधित करके घर में ले आते, लेकिन उसके बाद उस नारी की क्या व्यथा होती है, ये सब चीजों की इसके अंदर हमने मैंने लिखने की कोशिश करी। एक दिन नारी की पुरुष से तुल्यता, कई बार क्या होता है कि नारी जो है पुरुष जो है अपने आप को बहुत आगे समझने लग जाते हैं, लेकिन नारी उससे कम नहीं, तो नारी अपने मनोभाव को किस तरह से व्यक्त करती है, क्योंकि हमारी जो श्रोता बहने हैं वो भी है यहाँ पर, श्रोता बहनों के लिए भी कि नारी जो करती है पुरुष से कि खुशी वो पूरी कोशिश करती है, महिला जो है ना हमेशा हमेशा त्याग की देवी रही है, त्याग की बोलती है, महिला को आप किसी भी तरह से नहीं होती, नुकसान पुरुष का कभी नहीं होता, नुकसान तो हमेशा स्त्री का होता है, स्त्री ने हमेशा पुरुष को समझाने की कोशिश होती है कि देख मैंने कई बार तेरे जैसा करने की कोशिश करी, उससे बेहतर ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन जी नकार दे इसका मतलब तुम ना रहा है, तो ये चीज मैंने कि खुशी होगी तुम लोग ये नारी समझा रही कि मैं आप अच्छे से खाना बनाना सीख गई, मूंगली आलू पालक और गोभी के पत्ते गाजर आलू और सूजी का हलवा ये सब तो ये चुटकियों का काम हूँ, खुशी होगी तुम्हें ये जानकर कि मैंने कपड़े धोना हो ये इसलिए करना हो कि टेलर की तरह ही तरह सीख लिया है, बर्तन सफाई झाड़ू चौका चूल्हा पूरी रसोई आपके बाबूजी के पूरे दिन की डॉक्टर की लिखी हुई हर दवा का ध्यान रहने लगा है मुझे,
माँ जी के लिए भी मैंने हर तरह की अलग ब्लाउज पर अलग साड़ी को मैच कर जब बनाओ क्लास सीखूंगा। खुशी होगी तुम्हें जानकर कि मैं तुम्हारी तरह पूरी काबिल बन चुकी हूँ। मगर क्या तुम एक पत्नी एक बेटी एक बहू एक बहन के हक के लिए ही सही मगर अपने इस आजाद जीवन में कुछ नहीं कर रहे? क्या मुझे भी अकबर क्या मुझे भी क्या मुझे भी तुम मर्दों की तरह ही हंसने दोगे? खुशी होगी तुम्हें ये अगर तुम्हारी माँ खुशी होगी तुम्हें भी तुम्हारी माँ बहन तुम्हें खुद अपने हाथों से इस पूरे जमाने को खुद दिखाने ले जाएगी। खुशी होगी तुम्हें अगर तुम्हारी गुड़िया छोटी गुड़िया तुम्हें उंगली पकड़कर छोटे छोटे सपने को पूरा करने की जिद मुझे पूरा करने की जिद नारी की जो गुहार है पुरुष इस तरह मैं कुछ ऐसी चीजों के ऊपर भी लिखने की कोशिश करूँ क्योंकि सजीवों के ऊपर सब लिखते रहे हैं तो मैं ज्यादातर निर्जीवों को लिखता हूँ कागज कलम दवा पेन कॉपी साइकिल मोटरसाइकिल तख्ता ब्रेड इन सब के ऊपर मैंने कविता लिखी है। और जो कविताएं कुछ इस तरह की मतलब जिन्हें मैंने कि इनमें भी जीव बिल्कुल सही है जगदीश चंद्र बसु ने वनस्पति विज्ञान के अंदर अपने डॉक्टरेट के और जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम बताया था कि इंसानों की तरह मानव जंतुओं में भी पेड़ों में भी जान होती है वनस्पति विज्ञान। तो जगदीश चंद्र बसु की जो बात है वो मेरे हमेशा अपने अंदर अंगीकार करिए कि निर्जीव वस्तुओं में भी मैं जान लेकर चलता हूँ। यदि आपका कागज कभी कभी धोखा दे गया तो आपका एग्जाम बिगड़ सकता है। यदि आपकी कलम आपको धोखा दे गई तो एक छोटी सी जमीन के कागज बहुत बड़ी जमीन के कागज पर भी आप साइन करने से रुक सकते हैं। यदि आपकी साइकिल ने दूसरा पर आपको धोखा दे दिया कि साइकिल ने धोखा दे दिया तो आप पूरे रस्ते पसीना पसीना यदि आपके पंखे ने चलना बंद कर दिया तो भी आप गर्मी से बेहाल हो जाएंगे। हर निर्जीव वस्तु का भी उनकी कण कण में ईश्वर का वास है ये मैं हमेशा से लेकर चलता रहा हूँ आप भी चलते रहिएगा क्योंकि कण कण के अंदर ईश्वर का वास एक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा परिवर्तनशील है खत्म नहीं है। तो निर्जीव वस्तुओं के तो कागज का दर्द कुछ ये दो चार चीज दो चार नहीं है ये जाने कितने राज छुपे होते हैं इन पन्नों में प्रेम गाथा है छुपी हुई तो ये इतिहास के किस्से भूगोल के आंकड़े संस्कृति के दर्पण विज्ञान का विस्तार अध्यात्म का प्रसार समाज का मार्ग प्रशस्त करने वाले सच्चे महात्मा आशय पर जिंदगी लिखते हैं और बाकी पृष्ठ पर जीवन का सार। ये चार मेरा है आप पुस्तक पढ़ लीजिए पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इसके बाद एक जो कविता थी मेरी वो दर्शन मार्ग पर आधारित एक कविता है। मृत्यु क्या है लोग कहते हैं कविता जो है दर्शन को भी दर्शन का भी दर्शन तो उसी दर्शन को कि मृत्यु क्या है इससे इसको मैंने थोड़ा सा दर्शन शास्त्र की कुछ किताबें पढ़ी है अपने पिताजी के पास में कई सारी विद्यार्थी की किताबें रखी रहती है तो पिताजी के पास में कई सारी चीजें तो इसका सार मैंने यही निकाला कि मृत्यु जो है ना वो जन्म लेना ही मृत्यु तो समझिए आप इसको कि जन्म ही मृत्यु है क्योंकि जीवन से अंत तक प्रत्यक्ष या परोक्ष मरता है हर बार अनंत बार क्षण भंगुर है नश्वर और नाशवान हर घड़ी ये कौन हूं मैं तो मेरा है क्षितिज से चहूं जूझता है पर हर दिशा मृत्यु देती है संघर्ष बनी तृष्णा ईर्ष्या रूपी विष तृष्णा की खोह में छदमा उतरित हो प्रस्फुटित हो देता है मृत्यु संतति से जरा अवस्था तो बूढ़ा हो जाता है ना इंसान तो संतान के द्वारा जो बार बार ताने लगते हैं ना जबरदस्त ताने अरे तू मर जा वो जो गौवें कहती रहती है अपनी सासू माँ से बेटे कहते रहते हैं अपने बाप से अरे मरता क्यों नहीं मर जा तेरे जाने के बाद सब कुछ हो जाएगा। ये चीजें जो है ना चुभती है चुभती सूल की तरह चुभती है ये चुभने वाली जो चीजें है ना इसको मैंने कोशिश करी कि संतति से जरावस्था में अवहेलना मृत्यु ही तो है अहम जब तक ना बदले सी हो हम जब तक ना बदले शिव अहम में कल्याणकारी में कौन सा में अहम का मतलब वो कल्याणकारी में अगर मैं कल्याणकारी हूँ यदि मैं कल्याण करता
हूँ तो निश्चित रूप से मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, मेरे अंदर भाव है, लेकिन मैं कह नहीं रहा हूँ अपने आप में उस शिव को प्राप्त कर चुका जो ईश्वर के रूप में होकर मृत्यु अहम जब तक ना बदले अहम अहम ही रहता रहे ना तो मृत्यु के समान ही उसको मरा लेता जो अहम में चूर होता है तो उसी के ऊपर ये अहम जब तक ना बदले शिव हो तो ये कविता मृत्यु के ऊपर एक ज्योति कविता। इसी तरह से और भी कई सारी कविताएं हैं मेरी जो कि ईश्वरवास से जुड़ी हुई है। इसके बाद एक कविता है जो कविता थी हमारी ये काव्य संग्रह इस तरह से पूर्ण कई तरह की कविताओं से समृद्ध है। 77 कविताएं पूरी जिंदगी के सच को आपके सामने रखने की कोशिश कर रही है और इसी क्रम में आज मैं आपसे समय की व्यवस्था को देखते हुए कि इस समय की नज़ाकत को देखते हुए इंसान जो है यदि अपना पथ बदल ले वही उसमें समझदारी रहती है क्योंकि समय ही उस सबसे बड़ा भगवान है। तो इसी के बाद में आप अपनी जो एक द्वितीय पुस्तक थी अनुरागिनी एक प्रेम काव्य उसकी एक चंद शायरी सुनाकर वर्तमान काल कोरोना काल चल रहा है तो आशा है आप सभी से भी और आपके परिवार से भी कि आप भी कोरोना के समय में अपने आप को बचा कर रखेंगे, जो सरकार निर्देश दे रही है उन निर्देशों का पालन करेंगे, अपने घर पर बैठ कर ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े रहेंगे, अपने बच्चों को जोड़ते रहेंगे और आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और बढ़ते रहें। ऐसी मनोकामना के साथ एक छोटी सी शायरी जो मैंने इस कोरोना काल को जोड़कर आपके सामने पेश करने की कोशिश करी कि वो मिलन के दिन भी अब कम हो गए हैं, वो मिलन के दिन भी अब कम हो गए हैं, खुशियों से ज़्यादा हमारे गम हो गए हैं, वो मिलन के दिन भी अब कम हो गए हैं, खुशियों से ज़्यादा हमारे गम हो गए हैं, कभी लगता है वक्त ही बुरा है शायद, कभी लगता है कि वक्त ही बुरा है शायद, कभी ये भी लगा कि बुरे हम हो गए हैं, कभी ये भी लगा कि बुरे हम हो गए हैं। ऐसा कतई नहीं है लेकिन इस कोरोना काल ने कुछ इसी तरह से सिखाया हमें कि जहाँ वो कहते हैं ना भारत का भाग्यवाद में, भारत के लोगों का, भारतीय संस्कृति का भाग्यवाद में अपार विश्वास रहा है शुरू से। एक छोटा सा जो तंत्र मंत्र जानने वाला होता है ना उसको भी बहुत ऊंचा चढ़ा देते हैं, एक छोटा सा जो साधु संन्यासी होता है जो घर से इंजीनियरिंग करके निकला लेकिन उसका इंजीनियरिंग में कहीं जॉब वगैरह नहीं लगी, उसने छोटा सा कहीं पर एक मूर्ति स्थापित करके और उस मूर्ति को लगा करके और यदि उसने वहीं पर प्रवचन देना चालू कर दिया तो उसके चरण रोकने लग जाते हैं। तो मैं मूल रूप से कहना चाहता हूँ कि भाग्यवाद से घर नाता रहा है और हमारा भाग्य से ये रहा है कि शायद हमने बुरा काम कर लिया इसलिए आज हमारी बुरी हालत हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। शायरी आपको समझाने तक सीमित थी लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपने आप को अगर बचा करके अपने आप को सही राह में ले जाकर यदि अपने गंतव्य तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी लय आने वालों का, सभी श्रोताओं का और सभी वक्तागणों का भी जिनकी वजह से ज्ञान का अपार भंडार जन सरोकार मंच की तरफ से हमें मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और कोरोना काल से बचे रहें, कोरोना से बचे रहेंगे, 2 गज दूरी मास्क ही जरूरी को पालन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना छूट नहीं पड़ जाएगा। धन्यवाद।